कोई भी चीज में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा प्रॉफिट देता है अनलेस द कंपनी शट्स डाउन। सर एक एक क्वेश्चन और था एजेंसी रिलेटेड का। अभी मैं दो फेज मेरे आए अभी लाइक अगर मैं 4-5 महीने पहले जाऊं तो सर मेरे पास हुआ करते थे 15-20 हजार के क्लाइंट। लाइक मैं लोकल अप्रोच करता था या मैं कैसे भी अप्रोच करता था तो मतलब हार्ड टू हार्ड 25,000 मतलब इससे ज्यादा नीचे। लेकिन सर अब वही चीज मैंने कई सारे मैंने कोई ऐसा मतलब फ्री कॉन्टेंट ही देखता था, सेल्स सीखा मैंने काफी सारी चीजें सीखा, क्लोजिंग सीखा कैसे क्लोजिंग करते हैं लाइक कैसे जो हमारे कस्टमर है उसके क्वेश्चंस को आंसर करते हुए उसकी हेल्प करते हुए मतलब सारी चीजें बिजनेस ऑडिट सीखा 50 चीजें सीखी। उसके बाद सर आज ये है कि आई हैव $3,000 क्लाइंट। तो एक चीज ये जानना चाहता था क्योंकि सर आपको भी बताया आप एजेंसी चला रहे हो सर्विसेज ऑलमोस्ट सेम ही होती yeah. बस क्वालिटी ऑफ सर्विस थोड़ी बढ़ जाती है yeah. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लो टिकट क्लाइंट लाइक एक 30,000 रुपीज के क्लाइंट और 2 लाख रुपीज का क्लाइंट वो भी फेसबुक ऐड ले रहा है ये भी फेसबुक ऐड ले रहा है वो भी कंटेंट क्रिएशन ले रहा है ये भी ले रहा है कॉपी राइटिंग वगैरह सब ले रहा है ब्रांड क्या सर एक्स्ट्रा क्या एक्स्ट्रा ऐड किया जाए ब्रांड। इट्स ऑल अबाउट ब्रांड बिल्डिंग। नाइकी जो शूज बेचता है वैसे ही शूज मैं अहमदाबाद में मैन्युफैक्चर कर सकता हूं कहीं पे अगर मैं अच्छी टीम बिठा लूं या अच्छी यूनिट बिठा लूं, लेकिन फिर भी मेरे को नाइकी जितना भाव कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो डिजिटल प्रतीक शूज होगा और ऊपर है नाइकी शूज। इट्स ऑल अबाउट ब्रांड बिल्डिंग। पीपल गिव मनी टू दैट लोगो, टू द ट्रस्ट विच दे हैव फॉर द लोगो। आपने 1700 रुपए इसलिए नहीं दिए कि डिजिटल प्रतीक ने कोई रॉकेट साइंस कर लिया है, इसलिए दिए है क्योंकि आप ट्रस्ट करते हो कि ये बंदा कुछ बोलेगा ना तो मेरे को हेल्पफुल रहेगा। दैट ट्रस्ट इज ऑल अबाउट मनी। तो सर उन्हें कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है लाइक कुछ ऐसी ओवर डिलीवर लाइक इन द शॉर्ट टर्म। द थिंग विच आई टोल्ड यू इज फॉर द लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली। इन द माइक्रो इन द शॉर्ट टर्म यू ऑलवेज ओवर डिलीवर। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज अभी भी मैं ये करता हूं। अगर लेट्स सपोज XYZ क्लाइंट मेरा लेट्स से 5 लाख रुपए पर मंथ का क्लाइंट है, ठीक है, मैं उनको वैल्यू 7 लाख रुपए की ही दूंगा। अगर मैंने प्रॉमिस किया होगा दैट इफ आई वुड गिव यू लेट्स से 4 सेशंस इन 1 मंथ, देन आई विल ट्राई कि मैं 6 सेशन में कैसे कन्वर्ट कर लूं, या तो फिर 4 सेशन जो करूंगा और मैंने बोला होगा 4 सेशन अपन 1-1 घंटे का करेंगे तो 4 घंटे होएगा, तो मैं 4 घंटे के बदले हर सेशन को 60 मिनट के बदले 90 मिनट कर लूंगा। ओवर डिलीवर। द वे यू बिल्ड मोर ट्रस्ट इज द मोर यू गिव द मोर यू गेट ब्लेस्ड। सो ओवर डिलीवर। तो मैं हमेशा मैं जब जॉब भी करता था कस्टमर सर्विस या कॉल सेंटर में तो मेरा पगार होता था 12,000, 9,000 से शुरुआत की थी, 12,000 फिर 17,000 हुआ था, 18,000 हुआ, बट आई ऑलवेज यूज टू डिलीवर समथिंग विच वॉज वर्थ 25,000 एज द सर्विस। फिर मेरी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर की भी जॉब होती थी, तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर की जॉब मेरी जो इंस्टीट्यूट्स में होती थी वहां पर जो स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता था वो स्टूडेंट्स ने पैसे किसको दिए? इंस्टीट्यूट्स को, मुझे नहीं दिए, मैं तो सैलरी पे था। फिर भी मैं वो स्टूडेंट्स को बताता था कि आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा जितना मैं आपको रिवर्ट कर सकूं 24 घंटे के अंदर। एंड दैट्स हाउ आई यूज्ड टू बिल्ड पर्सनल कनेक्ट विद दोज प्रोफेशनल्स हु वर पेइंग मनी टू द इंस्टीट्यूट एक्चुअली। तो आज भी लोग वो जो स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए थे 2015-16-17 में वो आज भी मेरे को फॉलो करते हैं कुछ लोग, और आज भी मेरे कॉन्टेक्ट में है और मेरे को बोलते हैं कि प्रतीक यू हैव जस्ट स्किल्ड योरसेल्फ लाइक क्रेजी एंड वी लव यू, और उनके बच्चे अब मेरे को फॉलो भी करते हैं। ठीक है, तो आप समझो मेरा LTV लाइफ टाइम वैल्यू कितना बढ़ गया। वो बच्चे अंधाधुन ट्रस्ट करेंगे मेरे पे, क्यों? क्योंकि उनके माँ बाप ने मेरे से सीखा होगा। दिस इज रिपल प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। एग्जैक्टली। सो आई मीन आई वुड से अंडर प्रॉमिस भी करने की कुछ जरूरत नहीं है, मतलब यू प्रॉमिस इन अ नॉर्मल वे बट यू ऑलवेज ओवर डिलीवर। यू जस्ट मेक श्योर दैट यू ओवर डिलीवर। प्रॉमिस कमिटमेंट वो तो मतलब क्या बोलते हैं अपन, कॉर्पोरेट लेवल पे करना ही पड़ता है तुमको, ठीक है, दैट इज मैंडेटरी। बट यहां पर ओवर डिलीवर जो है, ठीक है, वो अपने पे है, दैट इज नॉट मैंडेटरी।
बट यू मेक श्योर दैट ब्रांड को अगर स्केल करना है देन विल डू दैट. मतलब वो बंदे को शर्म आनी चाहिए 6 महीने में कि साला मुफ्त में भी इतना वैल्यू देता है यार, लेट्स टॉक मोर. एंड सेकंड थिंग व्हिच आई विल टेल यू बिकॉज यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड इज स्टार्ट पैकेजिंग योर प्रोडक्ट्स इन सच अ वे. ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग लाइक मैकडोनल्ड्स. मैकडोनल्ड्स अपना कोल्ड ड्रिंक देगा एक्स रुपए में, उसके साथ फ्रेंच फ्राइज देगा एक्स रुपए में. सॉरी अपसेलिंग बट इन अ नाइस वे कि अपना जो कम से कम वाला जो सस्ता प्रोडक्ट होगा ना उसका वैल्यू और हाईएस्ट प्रोडक्ट का वैल्यू इतना डिफरेंस नहीं होगा तो लोग हमेशा हायर वैल्यू में जाएंगे एंड दैट्स वेयर द एवरेज ऑर्डर ऑफ द ब्रांड इंक्रीजेस. बट वो इवेंचुअली होगा, शुरुआत में नहीं होगा, बट जस्ट कीप दिस इन माइंड.